हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध स्टील के बारे में। बौद्ध स्टील का चार्ट पिछले वीडियो में बात किए थे और इस वीडियो में और एक नया चार्ट के बारे में बताएंगे। इसमें क्या और मोमेंट हो सकता है, क्या गिरावट होने का बाकी है या यहीं से मोमेंट होने का चांसेस है, यहाँ इस वीडियो में बात करते चलते हैं इस वीडियो में। तो अभी जो कैंडल देख पा रहे हैं, ये जो कैंडल बना है, जो स्पिन टाइप का कैंडल बन रहा है, यहाँ से लेके 600 से लेके 700 पॉइंट का एक दिन में मूवमेंट हुआ था। कब का है? 3 मार्च 21 को हुआ था ऐसा मूवमेंट। ये कैंडल होना यानी आप समझ लेना, इसका जो लो है ना, इसको टच करने कभी ना कभी आ सकता है। कभी भी ये कैंडल आपको बनेगा 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में, ऐसा अगर बनता है तो आपको ध्यान देना है, इसका जो लो, ये कैंडल का जो टेल है, उसको टच करने आएगा। एक बार नीचे नीचे टच करने का, वहाँ से ज़बरदस्त मोमेंट करेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब यह है 600 हो गया सबसे बड़ा सपोर्ट, क्योंकि 600 के आसपास दो बार आप देख पा रहे हैं, यहाँ से दो बार टच किया है 600, यहाँ से 600, ये भी 600, दो बार टच किया है। तो अगर आता है इसको फुलफिल करने के लिए तो 600 के आसपास आएगा, या 3-4 दिन में आ सकता है या 1 हफ्ता लगा सकता है, किंतु ये ज़रूर आएगा। अगर यहाँ से मूवमेंट करना चाहे तो ये 700 जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक इसमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है, ये मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड आता है, अच्छा न्यूज़ आता है, तो ये स्टील सेक्टर में 700 क्रॉस करना यानी बजाज स्टील में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है वहाँ से। क्योंकि ये चार्ट जो बता रहा है, इसका चार्ट भी एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड चार्ट, इसका जो चार्ट पीछे का चार्ट से बहुत बढ़िया है, मूवमेंट है। अभी का जो चार्ट बना रहा है, ये फ्लैग पैटर्न टाइप का बना रहा है। फ्लैग पैटर्न यानी ये नीचे नीचे और भी आ सकता है, किंतु आपको ध्यान देना है 600 हो गया आपका सपोर्ट। अगर वहाँ से आप एंट्री भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं, किंतु अभी के लिए नहीं घुसना है, बिकॉज यहाँ जो टेल है इसको टच करने कभी भी आ सकता है 600 का। सो वहाँ से सपोर्ट अगर लेता है तो आपको 100 पॉइंट के लिए फिर गेम खेल सकते हैं 700 टारगेट लगा, और जिस दिन 700 टारगेट टच किया तो वहाँ से एक फेयर मोमेंट आना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ। क्योंकि फ्लैग पैटर्न में यही तकलीफ है, ये फ्लैग पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक एक रेंज बाउंड मार्केट की तरह आपको रखेगा होल्ड करके। तो और अगर नीचे आते तो कहाँ सकता आ सकता है, 500 तक भी आ सकता है, बट यहाँ से हम 600 बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल। 600 जब तक टूटता नहीं तब तक हम आगे की नहीं बात करेंगे, जब 600 तोड़ेगा तब हम आगे की बात करेंगे। अभी के लिए 600 और 700 दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान देना है, 700 अब बढ़िया रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मूवमेंट, 600 सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो नीचे का डाउन आ सकता है। तो इस वीडियो में कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और बजाज स्टील का और एक वीडियो बना के लेकर आएंगे जब ये ब्रेकआउट दोनों तरफ किसी भी तरफ तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।